नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द आई आर शो में। तो दोस्तों, आखिरकार अफ़गानिस्तान में सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की जो है स्थापना हो चुकी है, और सबसे अच्छी खासियत की बात यह है कि इसमें कोई भी फीमेल पार्टिसिपेशन और कोई भी रिप्रेजेंटेशन फीमेल का नहीं है, और ये एक एंटरिम गवर्नमेंट इन्होंने कहा है कि इसकी घोषणा की गई है। और अगर इस पर अगर आप नज़र डालेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इनमें जो इन्होंने हेड बनाया है, यानी प्राइम मिनिस्टर जिसको बनाया है, वो मुल्ला हसन अखुंद है, और साथ ही साथ इन्होंने इसमें सिराजुद्दीन हक्कानी को इंटीरियर मिनिस्टर बनाया है, मौलवी हनफी को इन्होंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया, बरादर को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया, मुल्ला याकूब को इन्होंने डिफेंस मिनिस्टर बनाया है। और ये सब जो नाम है दोस्तों, ये काफ़ी फेमस नाम है, क्योंकि ये सब जो है मैक्सिमम यूएन डेजिग्नेटेड या फिर यूएसए डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, और इनके ऊपर अच्छे खासे इनाम हैं। और इनके एंटरिम गवर्नमेंट की हालत को आप इसी से समझ सकते हैं कि आउट ऑफ 33, 17 तो यूएन या फिर यूएसए या फिर किसी और यूरोपियन कंट्री की जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की जो लिस्ट है उसमें जो है शामिल हैं, और इनमें से जो मैक्सिमम हैं, जैसे कि आप सिराजुद्दीन हक्कानी को ले सकते हैं, इनके ऊपर 70 करोड़ तक का इनाम भी घोषित कर रखा है यूएसए ने। तो अब समझने वाली बात यह है कि ये सब लोगों के साथ अब यूएसए और यूएन डील कैसे करेगा। मान लीजिए अगर इनको बुलाया भी जाता है यूएन में चाहे यूएसए में अपनी बातों को रखने के लिए, अगर एक समय के लिए ये भी मान लिया जाए कि इनको रिकग्निशन मिल जाती है, तो आखिर ये यूएन में किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे, और यूएन के लिए क्या ये खुद शर्मिंदगी की बात नहीं होगी कि यूएन के प्लेटफॉर्म पे के ऐसे लोग जाके बोलेंगे जो कि खुद ही यूएन के द्वारा डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं। और उसके बाद जिन लोगों के ऊपर इनाम है, मान लीजिए सिराजुद्दीन हक्कानी कभी अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट का रिप्रेजेंट करते हुए जब यूएन पहुंचे तो वहां पे क्या हुआ कि यूएसए के जो ऑफिसर थे उन्होंने उनको पकड़ लिया और ये भी बता दिया कि देखिए हमने इनको पकड़ लिया। मतलब एक हाइपोथेटिकल कंडीशन में आपसे बता रहा हूँ, एक जस्ट अ पार्ट ऑफ द डिस्कशन, कि मतलब आखिर यूएसए इनके साथ डील कैसे करेगा कि इनके ऊपर इनाम भी रख रखा है, इनसे बातचीत भी करेगा। तो ये कुछ समझ में नहीं आती चीज़ें कि लगता है जैसे विश्व काफ़ी जो है एक बटा हुआ सा दिख रहा है, ख़ासतौर से टेररिस्ट के डेजिग्नेशन को लेकर, और टेररिस्ट कौन है कौन नहीं है, और कहीं ना कहीं इसके लिए ज़िम्मेदार जो है वो यूएसए ही है। यूएसए ने इस पूरी सिचुएशन को अब क्या कर दिया, कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, और इसकी वजह से अब फिर से वही गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म की जो कंडीशंस हैं वो सामने आने लगी हैं। तो अब आप देखिए इसमें आगे चल के कौन सी नई डेवलपमेंट होती है, वो काफ़ी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। अब अगर इसके बाद अगर बात की जाए दोस्तों चीन और पाकिस्तान की, तो देखिए चीन को तो एक बहुत बड़ा एक दांव उल्टा पड़ गया है, और उसकी देखिए वजह भी है। हुआ दोस्तों दरअसल ये है कि आपको मालूम होगा कि चीन ने जो ये मन बनाया था कि वो अपना एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करेगा, कई बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेगा अफ़गानिस्तान में तालिबान के साथ मिलकर, और तालिबान ने भी उसका स्वागत किया था। लेकिन दोस्तों अब दिक्कत की बात ये है कि पाकिस्तान जो है वो खुल के साथ दे रहा है तालिबान का, पाकिस्तान के जो टेररिस्ट हैं वो भी पाए गए हैं, रशिया आपको मालूम ही है खुल के इस तरीके से उसने अपना समर्थन दे ही दिया है, यानी रशिया एक तरीके से दो नाव पे चलने की कोशिश कर रहा है, वो इंडिया का साथ भी चाह रहा है और अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान को जो है वो साथ भी देना चाहता है। तो अब इन सब के बाद दोस्तों एक ट्विस्ट ये आ गया है जिसके चीन की दिक्कतें जो बढ़ गई, वो ये हुआ कि यूएसए ने क्या किया कि इनका जो फॉरेक्स रिज़र्व है अफ़ग़ानिस्तान का करीबन 9.5 बिलियन डॉलर के आसपास का, उसको पूरी तरीके से फ्रीज कर दिया, और उन्होंने कहा है कि अभी हम किसी भी तरीके की जल्दबाजी में नहीं हैं अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान की सरकार को मान्यता देने के लिए। तो वी आर नो इन हरी टू रिकग्नाइज द तालिबान गवर्नमेंट। और इसके बाद इन्होंने इनके जो भी जो 9.5 बिलियन डॉलर का जो फॉरेक्स रिज़र्व था उसको सीज़ कर दिया। अब चीन के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर वो तालिबान के साथ अब वो इनिशिएट करके और वहाँ अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो ETIM जो कि इनके जिंगजियांग प्रोविंस में फेमस है, उसने जो है वो घोषणा कर ही दी है तालिबान के समर्थन की, तो अब तालिबान हो सकता है कि उनको और ज़्यादा बढ़ावा दे। तो अब ये दो धारी तलवार की तरह चीन के लिए हो गया कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि अब अगर वो निवेश नहीं भी करता है तो भी उसके लिए बड़ी दिक्कत है, और अगर वो निवेश करता है तो उसको ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि अब अफ़ग़ानिस्तान के सरकार के पास यानी तालिबान के पास कुछ बचा ही नहीं है। जब उनके पास कोई फॉरेक्स रिज़र्व ही नहीं है दोस्तों, तो अब अफ़ग़ानिस्तान में किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट को रेस करने के लिए
चीन को अपना पूरा जोर लगाना पड़ेगा और उनको स्टार्ट करना पड़ेगा, जैसे कहा जाता है स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, तो उनको एकदम शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा, एकदम ज़ीरो से। तो अब इसलिए चीन के लिए ये एक बहुत बड़ी मुसीबत ही देखिए बन सक गया है, क्योंकि एक तरफ ETIM का डर और दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा खर्चा करने का दबाव। तो अब देखिए दोस्तों चीन इस कंडीशन से कैसे निपटता है। इसी बीच दोस्तों एक सबसे बड़ी खबर जो आ रही हो भारत के लिए वो ये आ रही है कि MI6 के चीफ, CIA चीफ, यहाँ तक कि रशिया के सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी, ये तीनों लोग दोस्तों जो है वो भारत की विज़िट पे आए हुए हैं। और इस समय इन लोगों की एक काफ़ी टॉप मीटिंग चल रही है भारत के NSA के साथ में, और ये काफ़ी एक अहम मीटिंग मानी जा रही है। और माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस मीटिंग के बीच में जो फोकस पॉइंट है, जो सेंटर पॉइंट है, वो कुछ और नहीं बल्कि अफ़गानिस्तान में बदलती स्थिति। क्योंकि दोस्तों ये मीटिंग्स तब हो रही हैं जब अफ़गानिस्तान में एंटरिम गवर्नमेंट की जो घोषणा है वो तालिबान ने कर दी है। इन्हीं सब टॉपिक्स को लेके माना जा रहा है कि मीटिंग जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें MI6 के रिचर्ड मूर, विलियम बर्न्स हैं CIA के, और साथ ही साथ दोस्तों निकोलाय पेत्रुशेव, जो कि एक तरीके से आप NSA की इनका पद समझिए, जैसे कि भारत में अजीत डोवल हैं NSA, वैसे ही ये भी रशिया के आप इनको NSA समझ सकते हैं। और इनके नीचे सीधे जो है डिफेंस का जो डिपार्टमेंट आता है, और ये काफ़ी जो है पुतिन के करीबी मांगने जाते हैं। तो ये सब लोग जो हैं वो आए हुए हैं भारत दौरे पर, इनकी अपनी सेपरेट मीटिंग हो रही है। हालांकि ये माना जा रहा है कि जो CIA की जो चीफ हैं विलियम बर्न्स, इनकी जो मेन मीटिंग है, जिनकी आप तस्वीर भी देख सकते हैं इस समय स्क्रीन पे, ये जो आए हैं इनका मेन जो कंसर्न है भारत को लेके ये है कि भारत जो अफ़गानिस्तान को लेके और ज़्यादा सपोर्टिव हो, और कहीं ना कहीं जो इवैक्यूएशन जो प्रोसेस है, ख़ासतौर से वहाँ के जो रेफ्यूजीज़ हैं उनको लेके अपने आप को काफ़ी लिबरल करे और ज़्यादा से ज़्यादा रेफ्यूजीज़ को अपने यहाँ शरण दे। लेकिन भारत के जो NSA हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात को जो है क्लियर कर दिया है कि भारत जो है वो बहुत ज़्यादा रेफ्यूजीज़ को अपने यहाँ नहीं आने देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी एक पोजिंग थ्रेट ही है आने वाले समय के लिए, क्योंकि आप इनको पहचान नहीं सकते कि कौन रेफ्यूजी है और कौन टेररिस्ट है। तो दोस्तों अब आप लोग का इस पूरे इशू पे क्या कहना है, मैं जानना चाहूँगा कि भारत ने जो रेफ्यूजीज़ को लेके जो एक तरीके से जवाब दिया है अमेरिका को, क्या वो सही है, और क्या हो सकता है, क्या आने वाले समय में क्या कोई बहुत बड़ा हम लोग को चेंज देखने को मिल सकता है। क्योंकि माना जा रहा है कि कोई ना कोई एक बहुत बड़ी रणनीति जो है तैयार की जा रही है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया। तो ये जो मीटिंग्स हो रही हैं कहीं ना कहीं इसी की तरफ जो है रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो दोस्तों कमेंट करके अपनी राय ज़रूर रखिएगा। बाकी दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।